देखिए, अगर आप इसके नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, जैसे हम एक्स करते हैं, तो सी आर ओ फाइव ऑक्सीजन पे आप -2 लेंगे क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इक्वल टू क्या होता है, जीरो ले लेंगे और इसे एक्स मान लेंगे। अगर आप ऐसे करने वाले हैं तो आंसर गलत आने वाला है, यानी कि यहाँ से आंसर आ गया +10। पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज क्रोमियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में है ही नहीं। तो भैया, जब आपकी जेब में 10 रुपये नहीं है तो आपके 10 रुपये चोरी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये तो गलत है, तो फिर इसे कैसे करें कैसे? तो इसे करने के लिए हमें पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सी आर ओ फाइव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली यहाँ पे 5 ऑक्सीजन होती है, जिनमें से जो 4 ऑक्सीजन होती है वो एक परऑक्साइड बॉन्ड के अंदर होती है, परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। सिंपल सा तरीका है, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे चश्मा सा बना हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो दैट इज अ परऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, एक ऑक्सीजन जो बचती है वो ऑक्साइड के रूप में है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के रूप में है। अब आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी में परऑक्साइड बॉन्ड आ जाता है तो इसमें ऑक्सीजन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। तो यहां ऑक्सीजन -1 -1 -1 -1, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो हमेशा -2। यहां पर आपके पास ओवरऑल क्रोमियम के अराउंड चार्ज कितना आप गिन लीजिए या ऑक्सीडेशन स्टेट गिन लीजिए, तो 2 3 4 5 6 ओवरऑल देयर इज अ -6। अब -6 का इक्वल ऑपोजिट इज +6, तो क्रोमियम को कितना चार्ज